दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। सर, आप तहसील परिसर में एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि जनपद गाजियाबाद में अकेली चीनी मिल है मोदी चीनी मिल, जिसे चले गए लगभग 2.5 महीने हो गए। किसान को 1 रुपये का भुगतान नहीं दिया गया और ना ही प्रदेश सरकार ने अभी कोई भाव डिक्लेयर किया और ना हमारा पिछले 4 साल का ब्याज दिया जा रहा है। तो इन हालात को देखते हुए प्रधान जी वहीं रहो चल रहे हो, इस हालात को देखते हुए हम लोग आज जिलाधिकारी साहब आए हैं, उनसे हम मांग करेंगे कि हमारा भुगतान भी कराइए, हमारा ब्याज भी दिलाइए और हमारा गन्ने का रेट भी डिक्लेयर कराइए, क्योंकि गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं होगा तो फिर किस आधार पर भुगतान होगा? अभी तक कितना भुगतान हुआ है? भुगतान पिछले साल का मार्च पूरा हुआ है। कितना बाकी है? लगभग 250 करोड़ ब्याज सहित। तो इस समस्या को लेकर के आपने कोई ज्ञापन दिया पहले भी? पहले हम तो लगातार ज्ञापन दे रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और किसान के पास कोई आय का साधन नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई भी है, उसके ब्याह शादी भी है, दैनिक खर्चे भी हैं, सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, उसे अपने कपड़े भी बनवाने हैं, सब दैनिक दिक्कत है उसके सामने। खाद महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कीटनाशक महंगा हो गया, मजदूरी महंगी होगी, बंधाई कुटाई जुताई महंगी होगी। क्या यूरिया की भी कमी पड़ रही है? यूरिया तो कहीं है ही नहीं, है ही नहीं केंद्रों पर। डीएपी और यूरिया नहीं कहीं भी।